हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, आज हम आपको प्लांट डेकोरेशन इन प्लेट में आपको प्लांट डेकोरेशन बताऊंगी, कैसे प्लांट को डेकोरेट करना है, कैसे आप एक नया सेटअप तैयार कर सकते हैं प्लांट्स का। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। मेरे पास से कुछ चीज़ें हैं, मैंने छोटे छोटे पॉट लाए हैं पौधों के। इसमें प्लेट ये हमारा है, ये यूज़ नहीं होता है ये प्लेट, तो ऐसे रखा हुआ था, तो हमको लगा डेकोरेट करते हैं इसको और आप सबको दिखाते भी हैं। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो छोटे छोटे प्लांट चाहिए जो हार्डी हों, और हमको प्लांट डेकोरेशन प्लेट में अगर करना हो तो दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। हमको प्लांट्स ऐसे लेने हैं जो हार्डी हों, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा धूप की ज़रूरत ना हो और जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो। तो अगर आप ऐसे प्लांट्स रखते हैं जिसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा, थोड़ा धूप में भी रखना पड़ेगा फिर उस प्लांट्स को। तो मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं अपने घर में जो छोटे छोटे पॉट में हम लगाते रहते हैं, तो उसमें से हम लेके आए हैं। देखिए, ये कप में मैंने लगाया है ये सेंसवेरा और ये टेंगल हर्ट, ये एक लिया। इसमें मैंने सेंसवेरा और ये अगेव लगाया है। अगेव बहुत हार्डी है, सेंसवेरा तो है ही रफ प्लांट, आप उसको कैसे भी लगा देंगे आ जाएगा, केवल मिट्टी में गार्डन सॉइल में लगा देंगे आ जाएगा। ये देखिए, मैंने अगेव और सेंसवेरा लिया है। ये मेरा क्रीम का डब्बा था, तो इसलिए हम क्योंकि ये प्लेट डेकोरेट कर रहे हैं इसलिए हम अच्छे पॉट उसमें नहीं इंगेज करेंगे, क्योंकि ये सब तो दिखने नहीं है, ये जो डब्बे हैं सब दिखेंगे नहीं, तो इसलिए हम ऐसे पॉट लेंगे जो हम को देखने में थोड़ा ख़राब लगते हों, जो हम केवल जिसमें पौधे लगाते हैं ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए। तो और ये दूसरा मैंने वैसलिन का डब्बा यूज़ किया, इसमें अगेव लगाया है। ये सब बहुत हार्डी प्लांट्स हैं, अगेव के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है, काफ़ी बड़ा प्लांट होता है। मैंने एक वीडियो उस पर मैंने डाला है, तो आपको हम शेयर कर देंगे। ये दूसरा अगेव है मेरा, ये सब बहुत हार्डी प्लांट्स हैं, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, इसको भी मैंने देखिए वैसलिन के डब्बे में लगाया है। आप इसको जितना कम सॉइल देंगे, जितनी कम एरिया देंगे उतना बड़ा होगा, ये ज़्यादा एरिया देंगे ज़्यादा बड़ा होगा, एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, मिट्टी उसका बेस उतना ना रहे तब भी चलेगा। जैसे मैंने टायर में लगाया हुआ तो काफ़ी बड़ा हुआ है, आपको वीडियो शेयर करेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने एक ये स्पाइडर प्लांट भी लाया है, दिखते हैं। अगर हम इसको रखते हैं तो हमको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सनलाइट की ज़रूरत होती है, हल्की सी माइल्ड सनलाइट। ये दूसरा आ गया मेरा, देखिए ये छोटे से पॉट में लगाने से छोटे से, ये देखिए बॉटल है, बॉटल को काट में मैंने लगाया, तो ये सब बहुत हार्डी है, आराम से आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए हेवर्थिया, इसको मैंने शैम्पू का बॉटल का ढक्कन है उसमें लगाया है, और देखिए कितने अच्छे से हो रहा है, इसमें साइड से एक नया प्लांट आ भी रहा है। देखिए देखिए देखा, ये छोटा सा इसमें साइड से छोटे छोटे प्लांट आते रहते हैं। और ये दूसरा आगे मैंने लिया है, ये मैंने लिया है सिंगोनिया। तो देखते हैं, एक मेरे पास पुरानी मूर्ति रखी थी उसको मैंने यूज़ किया है, और ये बालू में से पत्थर उठा के ले आए हम, घर बनते रहते हैं आसपास तो सड़क पर से ही उठा लाते हैं या तो मंगा लेते हैं किसी से, तो मैंने हम खुद लाए थे। तो ये थोड़ा सा ये मार्बल के टुकड़े हैं, तो अब डेकोरेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फिट होता है। तो हम ऐसे डेकोरेट करेंगे कि बड़े प्लांट्स पीछे की तरफ रहें और छोटे छोटे प्लांट्स आगे की तरफ रहें, ताकि इसका लुक एक पहाड़ की तरह दिखे। तो सबसे पहले हम ये सिंगोनियम अरेंज करते हैं इसमें,
क्योंकि ये बड़ा है, तो इसके बाद एक ये बड़ा आगे है, इसको अरेंज करते हैं। ये हुआ, और फिर छोटे छोटे पहाड़ का लुक देने के लिए इसको रख देते हैं। और फिर मूर्ति को देखिए, पहले अरेंज करते हैं, इसके बाद प्लांट्स अरेंज करते हैं उसी हिसाब से। ये हो गया, ये यस, इससे जो है पहाड़ पे बैठे हुए हैं हमारे भगवान जी। ये हो गया, अब देखिए ये दूसरा आ गया, यहाँ पे रखते हैं साइड में ऐसे, और ये टैंगल्ड हर्ट अरेंज करते हैं। यस, टैंगल्ड हर्ट, और ये सेंसवेरा, इसको ऐसे देते हैं। यस हाँ, ये इसके ऊपर आएगी इसकी ये लतर, तो खूबसूरत लगेगा। तो अब हम इसको यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा, ये हेवर्थिया, देखिए हेवर्थिया काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने इसको जो है अरेंज आगे अरेंज करने की सोची। ऐसे ये हो गया, और ये आप कैक्टस भी यूज कर सकते हैं, कैक्टस को थोड़ा सा कैक्टस यूज़ कीजिए, या अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है अरेंजमेंट थोड़ा इधर से उधर कर दिया। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ये इसका लुक देंगे पहाड़, क्योंकि भगवान जी हमारे पहाड़ पे रहते हैं, तो ऐसे। हाँ, ये अभी हम लोग इनका ये रास्ता बनाएंगे थोड़ा सा, इसको अरेंज करेंगे ऐसे। डाल दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। ये मार्बल स्टोन है ये, इसको आप डाल दीजिए, देखिए कितना खूबसूरत ये तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें जानवर भी अरेंज कर दीजिए, ये हमारे पास बच्चों का पड़ा था तो हम ले आए हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे रख दीजिए जी। देखिए इस तरह आप अपने घर में पड़े हुए चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। प्लेट हमारे यहाँ यूज़ नहीं हो रहा था, मैंने इसमें प्लांट डेकोरेशन अरेंजमेंट करने की सोची। और देखिए मेरे पास इतने ये बच गए हैं, देखते हैं कोई और ट्रे प्लेट अगर कुछ बड़ा हो तो फिर दूसरा प्लांट डेकोरेट करते हैं, कुछ नया लुक देते हैं इसको। मैंने थोड़ा हल्का सा पहाड़ का लुक देने का कोशिश की है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब भी इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इसका है कि आप घर में पड़ी हुई छोटे छोटे डब्बों को यूज़ कर सकते, छोटे छोटे प्लांट लगा के आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, शैम्पू का ढक्कन, वैसलिन का डब्बा, कप, छोटे छोटे वाटर बॉटल, आप ऐसे यूज़ करिए। देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।